नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और वक्त हो गया है आज के करंट अफेयर्स का। और आज का पहला सवाल है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? और इसका ऑप्शन है ए रूस, बी जर्मनी, सी फ्रांस और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है सी फ्रांस। दूसरा सवाल, हाल ही में श्रम और रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी है? और इसके ऑप्शन है ए मलेशिया, बी इटली, सी सऊदी अरब और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है बी इटली। तीसरा सवाल, डिजिटल भुगतान लोकपाल स्थापित करने का निर्णय किसने लिया? और इसके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है बी भारतीय रिजर्व बैंक। चौथा सवाल, हाल ही में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच शुरू होगा? और इसके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी सिंगापुर और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है सी सिंगापुर। पांचवा सवाल, हाल ही में अफगान शांति वार्ता की मेजबानी किसने की है? और इसके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी रूस और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है सी रूस। छठा सवाल, हाल ही में यूके में मानद डॉक्टरेट से किसे सम्मानित किया गया है? और इसके ऑप्शन है ए मिताली राज, बी अरुणिमा सिन्हा, सी पीवी सिंधु और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है बी अरुणिमा सिन्हा। सातवां सवाल, हाल ही में सशस्त्र बालों के वाइस चीफ की वित्तीय शक्तियों में किसने वृद्धि की है? और इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है सी रक्षा मंत्रालय। आठवां सवाल, हाल ही में कितने हवाई अड्डों का निजीकरण करने का निर्णय लिया गया है? और इसके ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 3 और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है बी 6। नौवां सवाल, हाल ही में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? और इसके ऑप्शन है ए रजत, बी कांसे, सी स्वर्ण और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है सी स्वर्ण। दसवां सवाल, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? और इसके ऑप्शन है ए विजय गायकवाड़, बी अलेक्जेंडर जिगलर, सी जवाहरलाल सरीन और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जवाब है सी जवाहरलाल सरीन।